नाम संगठन निकोला। बड़ा बोल छा, बड़ा मैसा छा। जो आज का परिदृश्य दिखाई दे रहा है उस समय तक तो कुछ भी नहीं था। नमस्कार साथियों, आज मैं आपको मस्त मौला की इस पोस्ट पे एक ऐसे गांव के शहर पे लेके जाने वाला हूँ जो बेहद ही रमणीक और प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ की खूबसूरती देश विदेश के सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग ज़िले में बेहद ही खूबसूरत गाँव सारी गाँव की। बांज बुरांस के घने जंगल के बीच बसा यह खूबसूरत गाँव को अगर आप करीब से जानना चाहते हैं और क्यों ये गांव पिछले कुछ सालों में पर्यटकों का केंद्र बिंदु बन गया, जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। यूँ तो हमने अपना सफ़र शुरू किया था गुप्त काशी से, लेकिन अगर आप देश के किसी बड़े महानगरों से आ रहे हैं तो आप हरिद्वार, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग होते हुए उक्खी मठ पहुँच सकते हैं। उक्खी मठ से लगभग 14 किलोमीटर की डिस्टेंस पर बसा है सारी गांव। मेरे साथ इस सफ़र में है माउंटेन मस्केटियर विजय नेगी जी, हिलवाणी सुदर्शन कैंतुरा जी और हमारे सबसे खास रूरल टेल्स यानी कि संदीप गुसाई जी। सारी गाँव का ये सफ़र और भी रोमांचक तब बन जाता है जब आप इन खूबसूरत पहाड़ों के टेढ़ी मेढ़ी रोटों से होते हुए अपने डेस्टिनेशन सारी गांव पहुंचते हैं। सारी विलेज अपनी सीनिक ब्यूटी और वर्ल्ड फेमस ट्रैक देवरिया ट्रैक के लिए जाना जाता है। गांव के लोगों ने यहां पे काफ़ी सारे होम स्टे खोल दिए हैं। जब इस गांव को 2007 में भारत सरकार ने पर्यटक गांव घोषित किया था और तब से यहां हर साल और हर सीजन में हजारों पर्यटक आते हैं। ये मेरा गांव सारी, ऊपर ऐसे मंदिर, बहुत अच्छे अच्छे मंदिर हैं। देहरादून में पढ़ता हूँ मैं, पर जब भी गांव आता हूँ बड़ा अच्छा लगता है। दादा दादी की याद ऐसे, और परिवार में जैसे हम लोग रहते हैं अपने किचन में सब एक साथ बैठना। देवरिया ताल का बेस कैंप यानी कि सारी गांव मुख्यतः पर्यटन और कृषि पर निर्भर है। यह पूरा गाँव मूलभूत सुविधाओं से लैस है, चाहे वो रोड की कनेक्टिविटी से लेके या मोबाइल नेटवर्क या फिर रहने खाने की व्यवस्था से लेके, सारी सुविधाएं इस गांव में उपलब्ध हैं। शहरों में भले ही आप आराम की ज़िंदगी जी सकते हैं, लेकिन जब गांवों में जो सुकून और चैन मिलता है वो आपको शहरों में नहीं मिल सकता। मेरे साथ हैं सारी गांव की ही एक महिला, आप नौ के छू रम्मा उम्र है। जब आप यहाँ शादी करके आए थे तो तब यहाँ और अब के सारी में क्या अंतर है? तब आता तो कुछ नहीं छो, अब तो बहुत ही ये बाबा यमने काकुची शहर जा, तब आता कुछ नहीं छो। हमें बेरा छा, गारा छा, बड़ा बोल छा, बड़ा भैंसा छा, खाली बेरा गारा ही। और अभी गाय भैंस? अभी भी है गाय है भैंस है सब। दूध वगैरह घर में ही मिलता है? और खेती बाड़ी में? बस खेती बाड़ी में कोदो जंगरू गेहूँ मनवा सो सब कुछ क्या। जो अब की नई बहुएं आ रही हैं वो भी अब खेती बाड़ी में इंटरेस्टेड हैं? बस बस तिन्नी बहू मेरी खेती बाड़ी भी कर दें। अच्छा, बेर भी रोना ना खेती बाड़ी भी कर दें। टूरिस्ट आने से गांव में जो फ्लो जो टूरिस्ट का बड़ा है उससे हालांकि जो गांव की लाइफ स्टाइल में थोड़ा सा चेंजेज आए हैं, लेकिन लेकिन लोग जो अभी पुराने लोग हैं वो उसी लाइफ स्टाइल से जीते हैं। किसी भी देश व समाज को बनाने या बिगाड़ने के लिए उस देश के युवा की मुख्य भूमिका होती है और कहते हैं अच्छी शिक्षा में ही एक अच्छा भविष्य दिखता है।
और ये तभी संभव है जब हम अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दें। इसी को जानने के लिए हम पहुंच चुके हैं प्राइमरी स्कूल सारी। किस क्लास में पढ़ते हो? सिक्स। और तुम्हारा? एट। और तुम किस कौन सी क्लास में पढ़ते हो? दो। स्कूल की छुट्टी हो गई है लेकिन यहाँ के अध्यापक अभी भी बच्चों को एक्स्ट्रा क्लासेस दे रहे हैं, और अगर ऐसे ही अध्यापक हर गांव में हों तो उस गांव का भविष्य कितना उज्ज्वल होगा। वैसे भी यह विद्या का यह मंदिर इतनी खूबसूरत जगह पे है, चारों ओर खेत खलियान हैं, सामने तुंगनाथ की चोटियाँ दिखती हैं और ठंडी ठंडी हवाओं और गुनगुनी धूप के बीच बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। देवेंद्र सिंह बजवाल, सहायक अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय सारी, जो एक पर्यटक गांव से भी जाना जाता है। ये जो आज का परिदृश्य दिखाई दे रहा है, उस समय तक तो कुछ भी नहीं था सारी गांवों में, ये धीरे धीरे चेंजिंग जो आपकी दफे जो ये दिखाई दे रहा है वो धीरे धीरे इन 10-12 सालों में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया बहुत सारा। बीच गाँव में खोली वाला मकान है ना, जिसपे बहुत पुरानी कलाकृति थे, आज वो ध्वस्त हो चुका है। और ध्वस्त होने का कारण भी हम ही लोग हैं, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, पौराणिक मकान छोड़ दिए हैं और नए मकानों की तरफ रुक कर दिया, तो वो उसी कारण वो ध्वस्त हुआ है। क्योंकि वहाँ जितने भी परिवार थे पहले ही इकट्ठा रहते थे, तो अब वो एक भाई के दो भाई हुए, तीन भाई हुए, तो उन्होंने अलग अलग बसना शुरू कर दिया और वो मकान क्या कर दिया, धीरे धीरे उस पर न रहने के कारण वो ध्वस्त हो चुके हैं। गाँवों ने आजकल जो शहरों का ट्रेडिशन है उसको अपनाना शुरू कर दिया है। गाँव के जो पुराने या पौराणिक मकान रह गए थे वो अब कुछ ही रह गए हैं। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं जो पटाल वाले मकान थे, जो मिट्टी और पत्थर से बनाए जाते थे, इन मकानों की खासियत ये थी, ये जो सर्दियों में गर्म रहते थे और गर्मियों में ठंडे रहते हैं। आप लोग हमारे यहाँ पे आए, आप लोग बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैंने अपने आप ये गाना अपने आप अपने में तैयारी किया, मैंने ये गाना। सभी दीदी बोली हम संगठन कोला, संगठन कोला, तभी ती दीदी बोली हम अगवड़ी बोड़ोला, दीदी अगवड़ी बोड़ोला। गाँव गड़ी माजे के दीदी डाली लगोला, डाली लगोला, तब ती दीदी बोली हम कंछायाई पोला, दीदी कंछायाई पोला। सभी दीदी बोली हम संगठन कोला, संगठन कोला, तू डाली बोठुरी दीदी हम बोचोला, दीदी हम बोचोला, तू डाली बोठुरी दीदी हमी बोचोला, दीदी हमी बोचोला। इसी कुल्या नौना नानी स्कूल जोला, स्कूल बेजोला, अंगोठी नी साणी दीदी कोई नीलोला, अंगोठी नी साणी दीदी कोई नीलोला। सभी दीदी बोलो हम संगठन कोला, संगठन कोला, तब ती दीदी बोलो हम अगवड़ी बोड़ोला, दीदी अगवड़ी बोड़ोला। पर्यटक विलेज सारी की कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। फिलहाल मुझे यानी पूरन सिंह को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो यानी कि देवों के ताल देवरिया ताल में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय उत्तराखंड।